भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत स्ट्रेंज बात है कि ऐसे कांटेदार जंगल में वो लोग बिना जूते के घूम रहे थे? Obviously, उनके जूते उतारे गए मर्डर की बात। बट वो मर्डर सिर्फ जूते क्यों उतारेगा? ये वो ही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। चरस की खेती, ये लीगल है क्या? जी नमस्कार। पुलिस इंक्वायरी के लिए आए। जूते उतारिए। हमारा ये वेदांजलि आयुर्वेदिक संस्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। हम केवल शुद्ध और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से दवाएं बनाते हैं, और ये काम हम किसी लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम जनमानस की सेवा के लिए कर रहे हैं। जनता की सेवा सर्वोपरि है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जनता की सेवा जनार्दन की सेवा है। हत्या, किसी हत्या से हमारा क्या संबंध? मरने वाले का नाम दीपक कुमार था, वो आप ही के आश्रम में काम करता था। क्षमा कीजिएगा, हमारी संस्था में सैकड़ों लोग काम करते हैं। अब हर एक के बारे में जानकारी रखना तो बहुत ही कठिन काम है। दयानंद, तुम जानते हो दीपक कुमार को? जी, नाम से तो कुछ याद नहीं आ रहा। एक बार कार्यालय जाकर रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर नाम से याद नहीं है तो ये चेहरा देख लीजिए, हो सकता है ये पिक्चर देख के आपको कुछ याद आ जाए। हाँ हाँ, ये बच्चा तो यहीं काम करता था, कदाचित भंडार गृह में काम करता था, क्यों दयानंद? जी आचार्य। सुना है पहले कुछ अपराधियों की संगत में था, परंतु यहाँ तो बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहा था। और क्या आप इन अपराधियों के बारे में कुछ जानते? सिर्फ इतना कि वो लोग जंगल में अवैध रूप से चरस की खेती करते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। क्षमा कीजिएगा, हमें बहुत सारे काम हैं, हम चलते हैं।